और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर है। शुक्रवार यानी कि आज पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने कनक दास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर भी पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कैंपोगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। जानकारी के अनुसार यह टर्मिनल लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके उद्घाटन से हवाई अड्डा पर यात्रियों की क्षमता बढ़कर सालाना करीब 5 से 6 करोड़ होने की संभावना है।